हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हनी हे एंड वेलकम टू माय चैनल हनी का किचन। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल बटन ऑल्सो, ताकि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। टुडे आई एम शेयरिंग द रेसिपी ऑफ पिनव्हील, पोटैटो पिनव्हील, यू कैन से समोसा पिनव्हील। इट्स वेरी यमी एंड वेरी फेमस रेसिपी। Many people make it in their own way, in their own style. I am making it in very easy style and with very less ingredients. It's the best kids lunchbox idea, kids party snacks idea. So let's start our recipe. Kindly इस recipe को समझने के लिए और easy style को learn करने के लिए इसे last तक देखें, so that you can make it at your home and enjoy it. सबसे पहले मेरे पास ये स्पाइसेस का होल स्पाइसेस पाउडर है, जो मैंने 3 स्पाइसेस को ग्राइंड करके बनाया है। आई हैव 3 स्पाइसेस जिसे मैंने रोस्ट करके ग्राइंड करना है। मेथी दाना 1/2 टीस्पून, 1 स्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 स्पून साबुत धनिया। इसको मैंने अच्छे से रोस्ट करना है और फिर करना है ग्राइंड। अब हमने स्टव पे एक पैन रखा है, हम इसकी स्टफिंग, इसका मसाला पोटैटोज रेडी कर लेते हैं। हमने 2-3 स्पून ऑयल डालना है इसमें। ऑयल में हमने ऐड करना है 1 स्पून साल्ट, 1/2 स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1/2 टीस्पून, जिंजर पेस्ट 1/2 टीस्पून, गार्लिक पेस्ट और ये 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स। इसको हम लाइट फ्लेम में कुक कर लेंगे अंटिल के जो हमारे स्पाइसेस हैं उसकी एक सौंधी सौंधी सी खुशबू उठना शुरू हो जाए, यानी कि उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये देखें, हमारी कुक होना शुरू हो गया, ऑयल में जान आ गई है। तो हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पे मैंने 5-6 मीडियम साइज पोटैटोज लिए थे, उसे साल्ट के साथ बॉईल करके अच्छे से मैश कर लिया। हमारे पोटैटोज अच्छे से मैश होने चाहिए, तो ये हमने इस टाइम पे ऐड कर लेने हैं और इसको हम करेंगे सारे स्पाइसेस के साथ अच्छे से मिक्स। मसालों को पोटैटो में अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं कर रही हूँ स्टव ऑफ, और अब हमने इसमें ऐड करना है ग्राउंड स्पाइसेस, जो हमने मेथी दाना, सफ़ेद ज़ीरा और साबुत धनिया को रोस्ट करके पीसा था, फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर एंड ग्रेटेड ग्रीन चिलीज, ग्रेटेड करके डालें ताकि बच्चों के मुंह में ना जाए, उनका टेस्ट ना ख़राब हो, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक हमने पोटैटो स्टफिंग को ठंडा करने के लिए रखा है, हम नेक्स्ट स्टेप पे अपना डो के लिए आटा गूंद लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 बॉल मैदा लिया है। हमने समोसों की तरह की डो रेडी करनी है, मीन्स थोड़ी सी हार्ड। 2-3 स्पून ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, 1/2 स्पून साल्ट, मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसे स्लो स्लो पानी डाल के, एकदम से ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि ये सॉफ्ट ना हो जाए, हमने थोड़ा आटा, हमारा डो हार्ड होना चाहिए, तो हम स्लो स्लो पानी डाल के इसे नीट कर लेते हैं। डो हमारी बिल्कुल रेडी है, तो हम इसमें 2 ड्रॉप्स ऑयल के लगा के इसको 10-15 मिनट हमने टाइम देना है सेट होने के लिए। तो इसे कवर करके हम रख देंगे 10-15 मिनट, जब तक हमारी जो पोटैटो स्टफिंग है वो भी ठंडी हो जाएगी। जब तक हमारे पोटैटो का जो मिक्सचर है और डो है वो सेट हो रही है, हम इधर एक मिक्सचर बना लेते हैं। मैंने 1 स्पून लिया है मैदा और यहाँ पे पानी के साथ हम इसका थिक सा मिक्सचर, ये बिल्कुल पतला सा मिक्सचर बना लेंगे।
without any lumps. मिनट्स हो गए, हमारा जो डो है वो ऑल डन है, बिल्कुल रेडी है. तो हम इसके टू पीसेस कर लेते हैं और बना लेते हैं एक टाइट सा पेड़ा इस तरह से करके. इसको भी दोनों पेड़े हमारे ऑल डन हैं. तो चलें इसकी बिलाई. बड़ी सी रोटी बेली है, बारीक सी, आप देख सकते हैं ये इतनी थिन है. अब हमने जो पोटैटोस बना के रखे थे वो हम इसके ऊपर फैला देंगे हर तरफ अच्छे से. तो ये अच्छे से हमने स्प्रेड कर दिया है बेलन पे. थोड़ा सा ऑयल लगा के को इस तरह से इक्वल कर लेते हैं कि हर तरफ से इक्वल हो जाए ये हमारे पोटैटोस. ठीक है, अब हम इसकी करेंगे रोलिंग. वो किस तरह से करनी है, एक साइड से इस तरह से रोल करते जाने हैं और टाइट रोल करने हैं हमने इस तरह से. जी फ्रेंड्स, हमारे पोटैटो पिनव्हील्स और यू कैन से समोसा पिनव्हील्स बिल्कुल रेडी हैं और कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, कितनी ईजीली ये रेडी हो गए हैं. और ब्रीड में बहुत क्रिस्पी, बहुत टेस्टी होते हैं. बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, पार्टी स्टार्टर के लिए, योर स्नैक्स के लिए बेस्ट रेसिपी है. सम मस्ट रेसिपी, ट्राई इट. इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. मेक योर कुकिंग ईजी एंड फन विद मी. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ.